हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ सुगम हॉल। मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत दिन से मेरे पास बहुत सारे मेल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि जब वेट गेन हो जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता है, या प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो काफ़ी लूज हो जाती है, और जब हम अपने टारगेट पे भी आ जाते हैं, यानी कि 50 का टारगेट है, जब हम 50 पे भी पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद भी हम बॉडी टोन नहीं लगते हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो लूज होके लटक जाती है। और है जितना हम वेट कम कर ले, लेकिन वो जो लटकी हुई स्किन है, जब हम कपड़े पहनते हैं तो वो कहीं ना कहीं फैट के रूप में हमें स्किन मतलब दिखाई दे रही है कपड़ों के ऊपर। तो आज मैं उसी का ही एक बहुत अच्छे सा वीडियो लेके आई हूँ कि किस तरह से आप अपनी लटकी हुई ढीली त्वचा को वेट लॉस के बाद टाइट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था कि जिन लोगों ने भी मेरी पिक्चर देखी होगी, या फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगी कि आप देखे होंगे कि मैं मेरा जो प्रेगनेंसी के समय पेट बहुत ज़्यादा था, यानी कि डॉक्टर भी मुझसे बोल रहे थे कि नॉर्मल से ज़्यादा आपका पेट है, यानी स्किन बहुत ज़्यादा खिंची हुई थी मेरी। और जब डिलीवरी हो गई, उसके भी 9 महीने बाद मेरा यही हाल था, लगता था कि अभी डिलीवरी नहीं हुई, यानी इतना ज़्यादा पेट निकला था। तो वो पेट मैंने कैसे कम किया, उसके जो मैंने एक आप लोगों के साथ जादू की पेट पोटली जो है, जादू की पोटली शेयर किया हुआ है, किस तरह से मैंने उससे सिकाई करके, जो मेरा पेट बहुत टाइट था प्रेगनेंसी के बाद, या फिर जो पेट मेरा अंदर नहीं जा रहा था, उस पोटली से सिकाई करके फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जितनी भी अंदर की स्वेलिंग थी सब कुछ कम करके अपना पेट जो नॉर्मल उसमें लेके आई। देन उसके बाद जब मैंने वेट कम किया, वो सारी चीज़ें वीडियो में हैं कि आप देख सकते हैं मेरे और भी वीडियो जाके कि मैंने किस तरह से पेट कम किया, वेट लॉस किया। लेकिन फाइनली जब मेरा वेट लॉस हो गया, उसके बाद मेरी स्किन लूज हो गई। और स्किन लूज होने से क्या होता है कि आप चाहे जितना भी वेट लॉस कर लो, लेकिन कपड़ों के ऊपर वो लूज स्किन दिखती ही दिखती है। मेरे साथ भी था, आर्म्स में लूज स्किन थी, पेट के एब्डोमिनल एरिया में लूज स्किन थी। तो मैंने किस तरह से अपनी लूज स्किन को भी टाइट किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है, और ना ही केवल लेडीज़ के साथ है, लड़कियों के साथ भी है, जेंट्स के साथ भी है, लड़कों के साथ भी है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों का तो बहुत ज़्यादा वाइट पैच से स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं जब स्किन लूज होती है। उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ कि आपने देखा होगा कि मेरी बॉडी पर मैंने बहुत ज़्यादा जो अपनी स्किन को टाइट किया है, लूज़ किया है, लेकिन कहीं भी एक भी मार्क नहीं आया मेरी स्किन पर, वो मैंने किस तरह से किया है, उसका भी बहुत अच्छा वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है कि वेट लॉस करते हुए, स्किन को टाइट करते हुए भी आपके जो स्ट्रेच मार्क हैं, जो वाइट लाइन है, वो भी आपकी बॉडी पे ना आए। उसका भी बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन फिलहाल मैं आज आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगी कि बॉडी को टाइट कैसे करना है, टोन कैसे करना है। क्योंकि वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप काफ़ी बल्जी लगते हो, स्किन ढीली हो जाती है, फैट पूरी तरह से चला जाता है, लेकिन और ये प्रॉब्लम आफ्टर प्रेगनेंसी भी होती है, जब आपकी शादी नहीं हुई होती है तब भी होती है, लड़कों को भी होती है, आदमियों को भी, तो सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो आज बहुत ही क्योंकि ये बहुत दिन से जो मेरे कॉपी में लिखा हुआ था कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, और बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इधर मैं कुछ दिनों से पार्टियों में थोड़ा सा बिजी थी, और बहुत फैमिली की शादी थी, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वे में वीडियो नहीं डाल पा रही थी, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि अब प्रॉपर वे में वीडियो डालूँ। सेकेंड चीज़, इस समय मैंने थोड़ा बहुत वेट गेन किया हुआ है, क्योंकि बाहर का खा रही हूँ, घर का नहीं खा रही हूँ, लेकिन इस वेट को भी मैं कैसे जो है क्रैश डाइट के थ्रू, किस ड्रिंक के थ्रू कम करूँगी, वो भी मैं आप लोग के साथ 1, 2, 3 एक हफ्ते की क्रैश डाइट करूँगी, प्लस बॉडी को डिटॉक्स करूँगी, वो डे मतलब कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी कि आज फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, और मैं प्रॉपर आप लोगों को मशीन पे भी आपको दिखाऊंगी कि मेरा वेट कैसे कम हो रहा है। तो वो भी बहुत जल्दी आएगी, थोड़ा सा क्योंकि आज भी मुझे पार्टी में जाना है। तो ये सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता रही हूँ कि आप जादू की पोटली वाला करिए, जो आफ्टर प्रेगनेंसी नॉर्मल उस साइज़ में पेट लाइए। देन उसके बाद मैंने एक आप लोग हैं, जो लोग भी अभी प्रेग्नेंट हैं, एक महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मैंने उसका भी एक वीडियो शेयर किया हुआ है कि किस तरह से अगर आप प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट के बाद अगर आप पहले से ही प्रिकॉशन ले लोगे, तो आपकी स्किन लूज नहीं होगी,
बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में भी आप वेट गेन नहीं करोगे, तो उसका भी एक वीडियो है, आई बटन पे आप देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मैंने जो है प्री एंड पोस्ट बैच शेयर की हुई है। जब आप प्रेग्नेंट हो, बहुत से लोगों के मन में होता है कि प्रेग्नेंसी के समय हमें पैंटी पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए, तो इसमें भी बता दूं कि प्रेगनेंसी की पैंटी अलग आती है, उसका भी लिंक मैंने उसमें दिया होगा, सब कुछ यानी कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। आई थिंक यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आई थिंक ये मेरी गारंटी है, नॉट श्योर, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा उन चीज़ों के बारे में। और क्या ऐसी चीज़ लेते रहो आपकी आपका जो है वो वेट गेन ना हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, अगर आपने वेट पूरी तरह से लॉस कर लिया है या लॉस नहीं भी किया है, आप लॉस वेट लॉस के प्रोसेस में हो या फिर अभी आप करने को सोच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा से बोलती हूँ प्रोटीन खाना स्टार्ट करिए, प्रोटीन खाना स्टार्ट करिए, प्रोटीन खाना स्टार्ट करिए। एग जो लोग खाते हैं बहुत अच्छी बात है, एग लीजिए 4 to 5 एग दिन में लीजिए, येलो वाला पार्ट निकाल के। मैं नहीं लेती हूँ लेकिन जो खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वेजिटेरियन की प्रोटीन डाइट मैंने बहुत ज़्यादा शेयर किए हुए हैं, आप अरहर दालों पांचों दालों को मिला के आप लो, आप छोले लो, राजमा लो, चना लो, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि जो वेजिटेरियन होते हैं उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि आप वेजिटेरियन उसमें क्या चीज़ लो, तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि प्रोटीन डाइट आपको लेनी ही लेनी है, वो चाहे आप मॉर्निंग में लो, ब्रेकफास्ट में लो, इससे क्या होगा आपकी बॉडी टोन होगी। आपको पता है जब मेरा बेबी हुआ था और मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैं स्वेल कर गई थी, सेकेंड थर्ड डे जब मुझे अपने टांके कटवाने जाना था डॉक्टर के पास, मेरा फेस ये हो गया था और हाथ खुब ऐसे ऐसे हो गए थे, तो मुझे डॉक्टर ने वो देखा और बोला कि सुगम तुम्हें ये क्या हो गया है और तुम इतना ज़्यादा क्यों स्वेल कर गई हो, क्या हो गया है तुम्हें। तो मुझे डॉक्टर ने ये सलाह दी कि क्या आप एग खाते हो, तो मैंने बोला नहीं मैं एग नहीं खाती, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम राजमा खाना स्टार्ट करो, छोले खाना स्टार्ट करो, दाल आपकी टोन होगी। यानी जो एक बहुत सिंपल लॉजिक में बता रही हूँ कि जैसे कोई धागा है वो लुंज पुंज है, तो उससे क्या होगा बहुत जल्दी फैट चढ़ेगा आपकी बॉडी में, लेकिन अगर उस धागे को आप बहुत तेजी से खींच दो तो उसके ऊपर कोई भी चीज़ टिकेगी नहीं, वो बिल्कुल बॉडी टोन रहेगी। सेम यही काम प्रोटीन क्या करता है, आपके धागे को आपकी जो मसल्स होती है उसको बिल्कुल टाइट रखता है, जिससे कि फैट वहाँ रुक नहीं पाता है, इधर उधर चला जाता है। तो प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छी बता रही हूँ कि जिसे वाकई में प्रोटीन से भी बहुत तेज़ी से आपकी जो मसल्स हैं वो टोन होंगी, तो जो है वो जो आपकी स्किन लटकी हुई है वो आके पूरा बॉडी को शेप कर देगी, यानी पेट अगर लटका हुआ है तो वो शेप में आ जाएगा, स्किन यहाँ से बल्जी है तो वो वहाँ पे आके बिल्कुल टोन हो जाएगी। सेकेंड चीज़ आपको वर्कआउट करना ही करना है। मेरे साथ क्या है, मैंने बीच में आज के एक साल पहले जिम ज्वाइन किया था, और वो इसलिए किया था क्योंकि मेरी जो है वो मतलब कि वेट बहुत अच्छे से लॉस कर लिया था, लेकिन मेरी भी स्किन जो है वो लूज़ हो गई थी। तो मैंने एक ट्रेनर से बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जिम ज्वाइन करो, और जिम ज्वाइन करने के बाद भी ऐसा नहीं है, कार्डियो पोर्शन भी करना है आपको, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करनी है, वेट जितना ज़्यादा उठा सकते हो, वेट उठाओगे तो बॉडी टोन होगी, ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्रिंक भी मायने रखता है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ड्रिंक मायने नहीं रखता है। थर्ड चीज़, अगर वाकई में ये दो चीज़ तो करिए करिए कि आपको प्रोटीन लेना है, सेकंड चीज़ आपको स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करनी, अगर आप नहीं जिम जा सकते हो, जैसे बहुत से लोग जिम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आप घर में डंबल्स मंगवा लो, घर में आप डंबल्स नहीं मंगवा सकते हो तो कोशिश करके 2 बाल्टी लीजिए, पानी भरिए, 2 से 3 बार जीने पे चढ़िए उतरिए, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बॉडी को टोन करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड चीज़ ये चीज़ करनी, मान लीजिए आप ये भी नहीं कर सकते हो तो आप जो ईंटें होती हैं उन्हें 2-3 चीज़ों जैसे कि 3 इधर ईंटें एक उसमें बांध लीजिए, 3 इधर रस्सी में बांध लीजिए, उसे उठाना स्टार्ट करिए, जीने पे उसे उतार के चढ़िए, इससे भी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, ठीक है, इससे भी आपका जो है वो स्किन जो है टोन होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं एक चीज़ बहुत अच्छी बता रही हूँ कि जो आपने देखा होगा एक आता है वो क्या बोलते हैं उसे, पॉलीथीन रैपर, मैं एल्युमिनियम फॉइल की बात नहीं कर रही हूँ, पॉलीथीन रैपर लीजिए,
पेट पे, अगर पेट की स्किन आपकी बहुत लूज है तो उसे मार के रोज रात में लेटना स्टार्ट कर दीजिए। उसके नीचे जो मैंने आप लोगों को स्लिमिंग ऑयल बताया था, बहुत हीट करता है बॉडी में, जितने भी स्लिमिंग ऑयल मार्केट में हैं उनका भी काम यही है कि आपकी बॉडी में हीट पैदा करते हैं जिससे वहाँ से पसीना निकलता है। होगा अगर मैं देखूंगी तो मैं उसका आई बटन में लिंक डाल दूंगी, आप एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। और आई थिंक उसके बारे में सब लोग जानते होंगे लेकिन उसका प्रॉपर यूज़ नहीं जानते हैं कि इसको इस चीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। उसे आपको, उस ऑयल को आपको लगाना है पॉलीथीन रैपर या फिर कॉटन का कपड़ा, खुद कस के पेट पे बांध लेना है, आपको सो जाना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी वाली बेल्ट पड़ी हो तो आप वो बांध के बैठ लगा लीजिए। क्या होगा, रात भर हीट क्या होता है, देखिए ये सबको पता है कि हमारी बॉडी जो है रात में रिपेयर प्रोसेस में चली जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि रात में ड्रिंक पी के सोइए या फिर आप कोई भी नाइट क्रीम लगा के सोइए या इस तरह का कोई काम करके सोइए। इससे क्या होगा कि जब आप कोई चीज़ बांध के सोगे तो आपकी बॉडी रिपेयर मोड पे चली जाएगी, वहाँ से पसीना निकलेगा, फैट बर्न होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई की, मेरी भी मसल्स बहुत ज़्यादा टोन हुई है। मैं अभी ये नहीं बोल सकती कि पूरी तरह से टोन हो गई है, मैं भी प्रोसेस में हूँ और पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं बोल सकती लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी ट्राई करिए, और जो लोग अभी प्रेग्नेंट हैं और मेरा वो वाला वीडियो देखना भी ना भूलेगा, उससे आप बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करोगे और आपकी स्किन लटकेगी भी नहीं, आपका एब्डोमिनल एरिया नहीं लटकेगा, आपका पेट लिफ्ट भी करेगा, जैसे कि आप जैसे कुछ लोगों को चलने पर प्रॉब्लम होती है, पेट पकड़ना पड़ता है, उसकी भी बहुत अच्छी बेल्ट आती है। वो सारी चीज़ें और लिंक मैंने उसमें दिया हुआ है, इन जो भी वीडियो मैंने बनाया इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आई बटन पर भी लिंक दिया हुआ है, तो जाके चेक जरूर करिएगा। और आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, हल थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।